दोस्तों, मैंने काफी लोगों को ये देखा है कि लोग जिम जाने से डरते हैं, जिम जाना नहीं चाहते हैं, और अगर बाई चांस जाना भी चाहते हैं तो उनके बीच में मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जिम ही क्यों जाएं, योगा भी तो कर सकते हैं, दूसरी फिजिकल एक्टिविटी भी तो कर सकते हैं। मेन चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, इस बारे में अभी बात करेंगे अपन। सिंपली आप एक चीज नोटिस करिएगा, आपके आसपास में काफी जगहों पर आप नोटिस करेंगे कि लोग जिम से बहुत डरते हैं कि जिम जाएंगे तो स्टेरॉइड्स दे देंगे, जिम जाना ही क्यों जरूरी है, काफी बहुत सारी चीजें भी तो है। देखो, सीधी सिंपल बात है, आपकी बॉडी करोड़ों सालों से, हजारों सालों से एक मैकेनिज्म पे वर्क करती है, जितना एक्टिव रहेगी उतना हेल्दी रहेगी, सीधी सिंपल बात। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपने ये चीज नोटिस करी होगी, नोटिस करने की भी जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा इस चीज के बारे में कि अपन करोड़ों सालों से बहुत ज्यादा मूव करते हैं, काफी जगहों पे जाते हैं, इधर उधर कहीं ना कहीं, तो वो कंडीशनिंग हो रखी है अपनी बॉडी की। सीधी सिंपल बात है ना, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। बात क्या है पता है, बात यह है कि करंटली लोग फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं, और जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो बॉडी स्टिफ हो जाएगी। ठीक है, जो भी मसल्स वगैरह है ये स्टिफ हो जाएंगे, ढंग से काम होगा नहीं। तो लोग क्या है कि जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो या तो बहुत ज्यादा हाँफ जाएंगे, स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग की वजह से स्टेमिना बहुत कम हो जाता है, ये भी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। मेन चीज क्या है पता है, मेन चीज है कि जितना फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतनी बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी। हाँ समझो, मैं समझाता हूँ, एक मिनट रुको, टाइम दो मुझे। जब फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है तो बॉडी स्टिफ हो जाएगी, मूवमेंट नहीं होगा तो बॉडी रिलैक्स मोड में नहीं रहेगी। ठीक है, जब बॉडी मूवमेंट कर रही है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट में फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो क्या होगा कि बॉडी में स्टिफनेस नहीं रहेगी, इतनी बॉडी एक्टिव रहेगी। और एक और चीज़, रिसर्च के हिसाब से ये भी प्रूव किया जा चुका है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने से मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती है। ये चीज़ ऐसे मजाक में नहीं कही गई है, रिसर्चेज हुई है, आप जाके पढ़ सकते हैं। मेरे को इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं पता कि मैं डॉक्यूमेंट लगा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना तो आप भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ पता है क्या है, इतनी 4-5 मेन चीज़ बता चुका हूँ, एक और मेन चीज़ बता दूँ। लोग ये कहते हैं कि योगा भी तो कर सकते हैं या रनिंग भी तो कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, आपके पास में बहुत सारे एक्सक्यूज होंगे। एक बात बताओ, योगा करोगे घर पे करोगे, घर पे कम्युनिटी है क्या आपके पास में? नहीं है। ठीक है, रनिंग करोगे, रनिंग के अंदर तो कम्युनिटी भी है, चलो आप बोलो। देखो, बात करते हैं योगा पे, योगा ज़्यादातर लोग घर पे करते हैं, हमारे वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर अपने यहाँ पे है नहीं कि एक बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। पार्क में कौन होता है, अंकल जी होते हैं, करते रहते, बस बस यही है, ऐसे ऐसे करते रहते पूरे दिन। मेन चीज क्या है, अगर आप योगा करोगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि ऐसा कुछ भी आपको फील होगा नहीं। ठीक है, और योगा के अंदर वैसे एक और चीज, योगा स्ट्रेचिंग पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, आपकी बॉडी कुछ वर्क ही नहीं कर रही है तो स्ट्रेच करोगे किस पे, पहले से स्टिफ हो रखी है उसको आप रिलैक्स कर दोगे ज्यादा से ज्यादा, पर मसल तो गेन होगा नहीं ना, आपको फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए मसल्स की जरूरत पड़ेगी, और मसल्स नहीं है तो फिर क्या करोगे। और बात करी जाए रनिंग की, तो देखो बात ऐसी है, पहले दिन आप जाओगे रनिंग कर लोगे, वेरी गुड, दूसरे दिन भी कर लोगे, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, होगा क्या, धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर एक कैलोरी डेफिसिट होने स्टार्ट हो जाएगा, जब आप रनिंग करोगे एनर्जी लॉस होगा, पूरे दिन थके हुए रहोगे आप, तो इससे क्या होगा कि आपका जो विल पावर है, विल पावर एकदम जीरो हो जाएगा। ये चीज़ तो मानते हो कि ये भी नहीं मानते? ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ सिंपली कि जिम जाने से आपकी बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी, आपके अंदर मसल्स गेन होंगे। जिम जाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, जिम जाओ, टाइम पे खाना खाओ, खा क्या रहे हैं, बाहर जा रहे हैं मार्केट के अंदर बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, मोमोज, मोमोज मोमोज नहीं सॉरी मोमोज मोमोज है ना, मोमोज खा रहे हैं, फिर कह रहे भाई शरीर दुख रहा है, भाई क्या करे भाई, अरे मोमोज खा रहे हो तुम, पेट में वो जम जाता है, मोमोज वाला बोलता है,
रवि गुप्ता का आपने स्टैंड अप कॉमेडी देखा होगा, वो क्या बोलता है कि इतना भी मोमोज मत खाओ, पेट में जम जाता है। तो अब ये फास्ट फूड आप खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो और उसके बाद में बोल रहे हो कि हमारे बॉडी एक्टिव नहीं रहे। खाना तो ढंग का खाओ यार, कुछ तो ढंग का करो, खाना तो ढंग का खा लो, चलो जिम मत जाओ, खाना तो ढंग का खा लो, खाना भी ढंग का नहीं खाना लेकिन बॉडी भी चाहिए, ये क्या बात हो गई। हाँ, सिर्फ सीधी सिंपल बात इतनी सी है, बॉडी अगर फिजिकल एक्टिविटी में रहेगी तो आप हेल्दी रहोगे, सीधी सिंपल बात, और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब ये आप किस तरीके से करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, इजी वे जिम ही है। एक हफ्ते तक आपकी बॉडी स्टिफ रहेगी, ये मैं मानता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ ये चीज़, लेकिन जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतना आपके लिए ही फायदा है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, 6 मिनट हो गए लगभग शायद, 1 3 2 1 बाय।